सो इन दी फाइव टोल्ड स्टूडेंट्स, सॉरी सिक्स, व्हेन अ प्लूरल सब्जेक्ट इज गिवन वन नेम सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. फाइव मील्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 1 लाख रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ टू कैरी. सो स्टूडेंट्स, वेन एवर इन द सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट इज गिवन वन नेम लाइक 1 लाख रुपीज, फाइव मील्स मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जब वो प्लूरल सब्जेक्ट इज गिवन वन नेम, प्लूरल हो बट एक ही नेम को इंडिकेट कर रहा हो. 1 लाख रुपीज प्लूरल है बट सिर्फ 1 लाख रुपीज अगर हम बात करें तो एक ही पर्सन, एक ही थिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं. फाइव मील्स, मील्स प्लूरल है बट फाइव मील्स प्लूरल है बट एक सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, वन नेम को इंडिकेट कर रहा है, पूरे उसको इंडिकेट कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है. इन दी सेवन रूल, इन ईच ऑफ यू नाइदर ऑफ दैम, इट इज ई स्ट्रक्चर सिंगुलर वर्ब इज यूज विद ईच, एवरी वन एंड मैनी. इन द सेंटेंस स्टूडेंट्स, ईच ऑफ यू, एवरी वन, नाइदर ऑफ दैम, मैनी अ बॉय, इन बोथ ऑफ द इन ऑल ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब. ओके. In eighth rule, some singular subjects appears to be plural, but singular verb is used with them, like mathematics and the news. This news. So students, कुछ subjects हमारे ऐसे होते हैं जो plural होते हैं बोलने में, देखने में, but हमेशा हम उनके साथ singular verb का use करते हैं, like mathematics and this news. In the ninth rule, a singular verb is used with the names of the newspaper, books and countries. Always हम students newspaper, books and countries से आगे हमेशा singular verbs का use करते हैं. एंड रूल 10, कलेक्टिव नाउन में हम पॉइंट आउट ऑफ द पार्ट ऑफ इट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, ऑलवेज कलेक्टिव नाउन यूज्ड विद द प्लूरल वर्ब्स. ओके. एंड इन 11th रूल, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इन द नंबर ऑफ, व्हाइल अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद द नंबर ऑफ, लाइक अ नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड अ नंबर ऑफ गर्ल्स वर एंड प्लेयर्स इन द ग्राउंड इज फ्यू. ओके. सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब का हमारा इसमें कंपेरिजन होता है. एंड 12th रूल, लास्ट रूल में हम some tells about singular verbs is used and if some tells about plural. अगर हमारे sentence में some किसी plural verb को indicate कर रहा है, that means वहाँ पर हम plural verb का use करेंगे. But जहाँ पर some हमारा singular verb pronoun को use कर रहा है, वहाँ पर हम singular verb का use करेंगे. Okay. I hope you will understand this chapter very well.